हेलो एवरीवन, हम लोग टैक्स प्लानिंग का कुछ सम्स कर रहे थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग कर लिए थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखना है ध्यान से क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर 240, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में लिखा है एक्स वाई जेड लिमिटेड नीड अ कॉम्पोनेंट इन एन असेंबली ऑपरेशन। एक्स वाई जेड लिमिटेड को एक कॉम्पोनेंट चाहिए। इट इज़ कंटेम्पलेटिंग द प्रपोजल टू आइदर मेक और बाय द फोर्सर कॉम्पोनेंट। या तो खरीदेगा या फिर खुद बनाएगा। नंबर 1, इफ द कंपनी डिसाइड टू मेक द कॉम्पोनेंट इट सेल्फ देन इट वुड नीड टू बाई अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर ₹8 लाख। मतलब अगर कंपनी खुद बनाएगा प्रोडक्ट को तो उसको एक सेकेंड हैंड मशीन चाहिए होगा जिसका कॉस्ट कितना है ₹8 लाख, विच वुड बी यूज्ड फॉर 5 ईयर्स। और लाइफ कितना है? 5 साल। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे दिया पहला 5 साल का 12 लाख, 14 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। ये पहला केस है अगर कंपनी बनाता है प्रोडक्ट तो। दूसरा, फिर लिखा हुआ है अगर कंपनी, इफ द कंपनी डिसाइड्स टू बाई द कॉम्पोनेंट फ्रॉम अ सप्लायर द कॉम्पोनेंट वुड कॉस्ट ₹18 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 28 लाख एंड 34 लाख रिस्पेक्टिवली इन ईच ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर्स। दोनों अल्टरनेटिव दे दिया हम लोग को, अल्टरनेटिव 1 भी दे दिया है और अल्टरनेटिव 2 भी दे दिया है। फिर लिखा है द रेलिवेंट डिस्काउंटिंग रेट एंड टैक्स रेट आर 14% एंड 32.445% रिस्पेक्टिवली। एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अवेलेबल। शुड एक्स वाई जेड लिमिटेड मेक द कॉम्पोनेंट और बाई फ्रॉम आउटसाइड। ओके, तो पहले हम लोग केस नंबर 1 करेंगे, यानी कि हम लोग करेंगे पहले ऑल्टरनेटिव नंबर 1। पहला ऑल्टरनेटिव क्या है? बनाने के बारे में बोल रहा है, यानी कि मेक द कॉम्पोनेंट। कितना साल है? 5 साल है। और सेकेंड हैंड मशीन खरीदेगा तो कितने का खरीदेगा? 8 लाख रुपीज का। तो सबसे पहला काम है हम लोग मालूम करेंगे कि हमारा कैश आउटफ्लो कितना होगा अगर हम कंपोनेंट को बनाएंगे तो, ठीक है ना। यानी कि हम कैलकुलेशन करेंगे क्या चीज़ का? कैश आउटफ्लो का। हमको 5 साल दे दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हमको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी दे दिया हुआ है। पहला साल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है? फर्स्ट ईयर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 12 लाख रुपीज़। सेकेंड ईयर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है? 14 लाख रुपीज़। थर्ड ईयर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है? 16 लाख रुपीज़। फोर्थ ईयर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 20 लाख रुपीज़। और फिफ्थ ईयर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 25 लाख रुपीज़। सही है। अच्छा, हम एसेट खरीदे हैं तो उस पर जाहिर सा बात है डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे ही ना। और इनकम टैक्स पर्पस के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन कौन से मेथड में चार्ज करते हैं? WDV मेथड, ठीक है ना। और हम लोग प्रॉफिट्स एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ये भी पढ़े हैं सेक्शन 32 में कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होता है ना किसी भी प्लांट एंड मशीन का वो कितना होता है? 15% होता है। और हम लोग एक चीज़ और पढ़े हैं सेक्शन 32 में कि अगर कोई भी एसेट को, अगर कोई नया एसेट खरीदा है और कंपनी एंगेज्ड है किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मौका मिलेगा। ये भी हम लोग पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे खुद कंपनी सेकेंड हैंड मशीन खरीद रहे हैं तो जाहिर सा बात है यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पहला साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? एसेट का दाम है कितना रुपया? 8 लाख। और डेप्रिसिएशन है 15%,
सो 8 लाख इंटू 15% कितना हो जाएगा, 8 लाख इंटू 15%, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन होगा 1,20,000। बैलेंस कितना होगा एसेट का, 8 लाख माइनस 1,20,000 होगा 6,80,000। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होगा, 6,80,000 का 15%, यानी कि 1,02,000। माइनस करने पे वैल्यू होगा 5,78,000, उसके ऊपर फिर से 15%, 86,700। उसके ऊपर फिर से 15%, 73,695। उसके ऊपर फिर से 15%, तो आया 62,641। ये हो गया डेप्रिसिएशन, सही है। ये है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ये है डेप्रिसिएशन। तो हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन मिला के कितना हो जाएगा, 12 लाख प्लस 1,20,000 हो गया 13,20,000। ये हो गया 15,02,000। ये हो गया 16,86,700। ये हो जाएगा 20,73,695 और ये हो जाएगा 25,62,641। ठीक है ना। एक चीज़ और हम लोग जानते हैं, जैसे टैक्स की वजह से इनकम कम होता है ना, सॉरी क्या बोल दिया हम, एक्सपेंस की वजह से इनकम तो कम होता है ना, तो जाहिर सा बात है, यानी ये जो एक्सपेंस है ना, अगर हम एक्सपेंस चार्ज करेंगे तो हमारा टैक्स क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस की वजह से इनकम कम, और इनकम कम यानी कि टैक्स भी कम, यानी कि एक्सपेंस हम लोग को क्या करता है, एक्सपेंस की वजह से हमारा क्या होता है, हमारा टैक्स सेविंग्स होता है। और टैक्स सेविंग्स कितना है, एक्सपेंस है 13,20,000 और टैक्स का रेट तो क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया है, ये रहा 32.445%। तो 32.445% इंटू 13,20,000, तो टैक्स सेविंग आएगा 428,274। बड़ा सिंपल है, हम कर क्या रहे, जो अपना टोटल एक्सपेंस है ना इनटू टैक्स परसेंटेज कर दे रहे, टैक्स सेविंग आ जा रहे, ये आएगा 487,324। फिर 5,472,50,2,073,695 का 32 point something percent 6,728,10। ये आएगा 831,449। ये आ गया टैक्स सेविंग। एक्सक्यूज मी, हम लोग जानते हैं डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है ना, तो हमारा जो कैश आउटफ्लो हुआ वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का कंसीडर किया जाएगा। तो अपना कैश आउटफ्लो होने वाला है 12 लाख रुपया, और टैक्स सेविंग कितना होने वाला है, 4,28,274। तो अपना नेट कैश आउटफ्लो कितना होगा, अपना नेट कैश आउटफ्लो कितना होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को से माइनस कर देंगे क्या हम लोग टैक्स सेविंग, यानी कि 12 लाख माइनस 4,28,274, 771,726, 14 लाख माइनस 4,87,324, 912,676, 16 लाख माइनस 547,250,
ये हो गया नेट कैश आउटफ्लो। डेप्रिसिएशन अपना नॉन कैश एक्सपेंस है, और नॉन कैश एक्सपेंस कैश आउटफ्लो नहीं होता है, ठीक है ना। वो सिर्फ हम लोग नॉन कैश एक्सपेंस इसलिए चार्ज करते हैं ताकि अपना टैक्स सेव हो जाए, ठीक है। इसी के लिए हम लोग इसको यूज़ किए हैं टैक्स सेविंग्स निकालने के लिए। तो नेट कैश आउटफ्लो कितना होगा, जितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसे माइनस की हम लोग टैक्स सेविंग, ये हो गया नेट कैश आउटफ्लो। फिर हम लोग पी वी फैक्टर तो निकाल सकते हैं ना, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 14% दे दिया है। आई होप पी वी फैक्टर निकालने सभी कोई को आता है, लास्ट क्लास में सीखे हैं। 1 / 1.14 इक्वल 0.877 इंटू इक्वल 0.769 इक्वल 0.6475 0.592 0.519। अगर दोबारा देखना है तो देख लेना ध्यान से सभी कोई। 14% है, 1 / 1 रेट 14% है, इसी के लिए 1.14 इक्वल प्रेस किया, ये हो गया पहला साल का। फिर दो बार इंटू प्रेस करेंगे, फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो सेकेंड ईयर का पी वी फैक्टर आएगा, फिर इक्वल प्रेस करेंगे थर्ड ईयर का पी वी फैक्टर आएगा, फिर इक्वल प्रेस करेंगे फोर्थ ईयर का पी वी फैक्टर आएगा, फिर इक्वल प्रेस करेंगे फिफ्थ ईयर का पी वी फैक्टर आ जाएगा। और फाइनली हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल सकते हैं ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना हो जाएगा, 771726 इंटू 0.877 ये होगा 676804 912676 इंटू 0.769 ये होगा 701848 आई होप ये सभी कोई को समझ में आ रहा है। कर क्या रहे हैं हम लोग, नेट कैश आउटफ्लो इंटू पी वी फैक्टर कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, पी वी ऑफ कैश आउटफ्लो। सबको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 710606 + 785696 865978 टोटल आया 374093 2। एक और चीज़ हम लोग इसमें ऐड करेंगे, हम लोग सेकेंड हैंड मशीन खरीदे हैं ना, कितने में, 8 लाख में, तो भी तो अपना कैश आउटफ्लो है, तो अपना टोटल कैश आउटफ्लो कितना हो जाएगा, 45,40,932 ये है अपना हिसाब। इसका मतलब होता है कि अगर हम कंपोनेंट को खुद ही बनाएंगे तो अपना कैश आउटफ्लो कितना होने वाला है, 45,40,932 रुपीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे, अगर हम कंपोनेंट को खुद नहीं बना के बाहर से खरीदेंगे तो हमारा कैश आउटफ्लो कितना होगा। ये रहा ऑल्टरनेटिव 2। अगर हम कंपोनेंट को बाहर से खरीदेंगे, यानी कि ये बाय द कंपोनेंट का केस है, या फिर इफ द कंपोनेंट इज बॉट, इफ द कंपोनेंट इज बॉट बेटर होगा,
5 साल है, सेम हिसाब इधर भी, ईयर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, मेरे को परचेज प्राइस भी दे दिया हुआ है। कंपोनेंट्स का परचेज कॉस्ट कितना है, 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 18 लाख रुपया, 20 लाख रुपीस, 22 लाख रुपीस, फिर 28 लाख रुपीस, 34 लाख रुपीस। डेप्रिसिएशन का तो कोई झंझट नहीं है, क्योंकि हमको क्या करने का है, डायरेक्ट बाहर से सामान खरीद लेना है, और एक्सपेंस के वजह से टैक्स बचेगा ना, तो अपना टैक्स सेविंग्स कितना आएगा। टैक्स का रेट हम लोगों को दे दिया है क्वेश्चन में 32.445%। सो 18 लाख इंटू 32.445% आ जाएगा 5,84,010, 6,48,900, 713,790, 908,460, 1103,130, ये आ गया अपना टैक्स सेविंग्स। हम लोग अब यहाँ से नेट कैश आउटफ्लो निकाल सकते हैं ना, नेट कैश आउटफ्लो एकदम निकाल सकते हैं। 18 लाख रुपया खर्चा है और टैक्स सेविंग है 5,84,000, तो नेट कैश आउटफ्लो कितना होगा। सर ये माइनस क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 18 लाख रुपया तो हमारा एक्सपेंस है और इतना रुपया हमारा टैक्स बच जा रहा है, देना नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, इसी के लिए हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं। 20 लाख माइनस 6,48,900 हो जाएगा 1,351,100, 22 लाख माइनस 713,790 होगा 14,86,210, 18,91,540, 34 लाख माइनस 1,103,130, 22,96,870। ओके, फिर पीवी फैक्टर मेरे को एट द रेट ऑफ 14%, ये तो मालूम है, हम लोग ऑलरेडी निकाल के हैं पिछले वाले समय कितना कितना है। पहला ईयर का है 0.877, दूसरे ईयर का है 0.769, ये रहा हम लोग निकाले ऑलरेडी यहाँ पे, ये रहा, तो देख के बैठा दे रहे 0.675, 0.592, 0.519, और फाइनली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना होगा। कैश आउटफ्लो को मल्टीप्लाई कर दे पीवी फैक्टर के साथ, कैश आउटफ्लो है 1,215,990 इंटू 0.877, 1,066,423, 1,038,996, 1,486,210, 0,319,6, 1,483,992, 1,891,540, 1,592, 1,119,792.
सबको ऐड कर देने का है। ऐड करने पे आ जाएगा 542,0478। ये हो गया टोटल कैश आउटफ्लो। अगर हम कंपोनेंट को ख़रीदते हैं ना, तो हमारा टोटल कैश आउटफ्लो कितना होगा, 54,20,478। और अगर हम खुद बनाते हैं ना, तो हमारा कैश आउटफ्लो कितना होता है, 45,40,932। किस में हमारा खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है, ख़रीदने में ज़्यादा खर्चा लग जा रहा है ना, तो एडवाइस क्या देंगे हम, एडवाइस में लिखेंगे द कॉम्पोनेंट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है ना, द कॉम्पोनेंट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड। क्यों? बिकॉज देयर इज अ सेविंग ऑफ रुपीज। 54,20,478 लगता है खरीदने में, और बनाने में लगता है 45,40,932 रुपीज़। करके जितना आएगा वो जाएगा अपना एडवाइस। आई होप ये सभी को समझ में आ गया। अच्छा एक चीज़ देखो सर ध्यान से, जैसे कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया 8,00,000 रुपया। हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस किए पहला साल का एट द रेट ऑफ 15%, बैलेंस बचा 6,80,000। हम लोग सेकेंड ईयर का भी डेप्रिसिएशन चार्ज किए 15%, कितना चार्ज किए थे हम लोग, ये रहा 1,02,000। एक बार मेरे को टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट पता कर लेते हैं हम कितना आया। टोटल आ गया 4,45,036। एसेट का WDV कितना है, कॉस्ट ऑफ द मशीन है 8,00,000 रुपीज़ का, लेस टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया है 4,45,036, लेस करने पे इसका WDV अभी कितना आया, 3,54,964 है ना। तो आगे का कहानी ये है, अगर हम लोग अज्यूम करते हैं, इफ इट इज अज्यूम्ड दैट जो सेल प्राइस ऑफ ओल्ड मशीन मतलब 8,00,000 का जो मशीन है, ये तो 5 साल के बाद पुराना हो जाएगा ना, और कंपनी उसको बेच भी सकता है, तो सेल प्राइस ऑफ ओल्ड मशीन इज निल, अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं, देन WDV कितना है 3,54,964, और सेल कंसीडरेशन कितना है, निल, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा ना, देन देयर विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ रुपीज़ कितना, 3,54,964। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, और विच विल रिजल्ट इन क्या, एडिशनल टैक्स सेविंग्स। ठीक है, तो अपना एडिशनल टैक्स सेविंग कितना हो जाएगा, एडिशनल टैक्स सेविंग्स हो जाएगा, मान लेते हैं जो करंट रेट दिया हुआ है ना 32.445% ऑफ 3,54,964, यानी कि 115,168। इतना रुपए का एडिशनल टैक्स सेविंग्स होगा, यानी कि कैश आउटफ्लो जो है वो कम हो जाएगा और इतना 1,00,000 रुपया से।
ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट्स इट, आई होप ये सभी कोई को समझ में आ गया। तो एडवाइस क्या रहा फाइनली अपना, कि कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करना चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए बाहर से। नेक्स्ट हम करेंगे हम लोग, अच्छा ओन वर्सेस लीज के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम लोग एक सम्स भी कर लिए हैं उसका। ये रहा, ये रहा ओन वर्सेस लीज का। यहाँ पे एक एग्जांपल कराए थे, एक और क्वेश्चन है हम लोग के मैट में, तो उसको खुद से कर लेने का है। कॉन्सेप्ट जो है ना मोर लेस सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तो उसको हम नहीं करेंगे। हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे वो है डिविडेंड पॉलिसी का सम। डिविडेंड पॉलिसी हम लोग डिविडेंड पॉलिसी का थियोरी पोर्शन तो कवर कर लिए हैं और उसमें हम लोग बहुत सारे सेक्शंस के बारे में भी डिस्कशन किए हैं, जैसे सेक्शन 10 सबसेक्शन 34, 115O, 115BBDA के बारे में, और हम लोग वहाँ पे टैक्स का रेट, सरचार्ज का रेट के बारे में भी पढ़े। ठीक है, वक्त आ गया है, हम लोग उससे रिलेटेड एक सम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 240, पेज 240 का क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा सिंपल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन। पेज नंबर 240 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लोकेटेड इन इंडिया। एक्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है। बिजनेस इनकम ऑफ द कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 इज 40 लाख रुपीज। बिजनेस इनकम दे दिया है, यानी कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। एक्स लिमिटेड होल्ड्स शेयर इन फ्यू कंपनीज, अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम दीज कंपनीज आर एज फॉलोज। ठीक है, ओके, तो कौन कौन से कंपनी में इसका ये है देखना है ध्यान से। आई होप देख रहे हैं। एक्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडिया में लोकेटेड है। कौन कौन से कंपनी में एक्स लिमिटेड शेयर खरीद कर रखा है? सबसे पहला है ए लिमिटेड, जो कि इंडिया में फॉर्म हुआ है। दूसरा बी लिमिटेड, इंडिया में फॉर्म हुआ है। सी लिमिटेड ब्राज़ील का कंपनी है। डी लिमिटेड हांगकॉन्ग का कंपनी है। ई लिमिटेड उज़्बेकिस्तान का कंपनी है। कितना परसेंट शेयर होल्ड करता है? 51%, 26%, 51%, 26%, 25%। कितना कितना डिविडेंड मिला? 40,000, 50,000। वेयर इन्वेस्टिंग कंपनी पेड टैक्स अंडर सेक्शन 115O। ये रहा, फाइन करने क्या बोला, इनकम टैक्स एंड डिविडेंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। देखना है इसको ध्यान से, बड़ा सिंपल है। हम लोग 115O के बारे में पढ़े थे। अच्छा पहले काम करते, पहले हम लोग इनकम निकालते हैं इसका, देख लेते हैं इनकम कितना है। फाइन करने बोला है क्या, इनकम टैक्स एंड डिविडेंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। जैसे बिजनेस इनकम कितना दे दिया हुआ है, बिजनेस इनकम दे दिया है 40 लाख रुपीज। ऐड करें डिविडेंड, ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है ना। हम लोग जानते हैं डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। है ना, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी अपना एग्जेम्प्ट हो गया। दो कंपनी है, एक है ए लिमिटेड और दूसरा है अपना बी लिमिटेड। फिर हम लोग जानते हैं डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी तो टैक्सेबल होता है ना,
कौन कौन सा कंपनी फॉरेन कंपनी है? एक तो है सी लिमिटेड ब्राज़ील, जहाँ से 60,000 का डिविडेंड मिला। दूसरा है डी लिमिटेड हांगकांग का कंपनी है, जहाँ से 70,000 का डिविडेंड मिला है। और तीसरा अपना है ई लिमिटेड उज्बेकिस्तान में, जहाँ से कितना का डिविडेंड मिला है? 80,000 का डिविडेंड मिला है। टोटल 2,10,000 रुपीज़ का डिविडेंड मिल गया। तो इनका टोटल इनकम कितना हो जाएगा? ये रहा टोटल इनकम, 42,10,000। टोटल इनकम तो आ गया अपना। अब टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते हैं। टैक्स लायबिलिटी निकालने के पहले हम लोग सबसे पहले डिविडेंड टैक्स निकालते हैं। टोटल इनकम तो आ गया, अभी कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड टैक्स। इंटर कॉरपोरेट डिविडेंड पहले हम लोग निकालेंगे। एक बार सभी को ही मैट निकालना जो हम लोग के यहाँ से मिला है, पेज नंबर 237। ये रहा पेज नंबर 237 मैट का। रिलीफ इन केस ऑफ इंटर कॉरपोरेट डिविडेंड क्या पढ़े थे हम लोग यहाँ पे? अगर होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिला है सब्सिडियरी कंपनी से, और होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी का कॉन्सेप्ट सभी को मालूम है। होल्डिंग कंपनी कौन होता है? जो आधा से ज़्यादा शेयर खरीदता है किसी दूसरे कंपनी में। और सब्सिडियरी कंपनी कौन होता है? जिस कंपनी का आधा से ज़्यादा शेयर खरीदा गया है। इन द सेम फाइनेंशियल ईयर होल्डिंग कंपनी ऑल्सो डिक्लेयर्स डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स, तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115(o)(1) विल अप्लाई। ये कैलकुलेशन है डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाई होल्डिंग कंपनी। यहाँ पे होल्डिंग कंपनी कौन है? एक्स लिमिटेड। तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाई होल्डिंग कंपनी यानी कि एक्स लिमिटेड कितना का डिविडेंड डिक्लेयर किया है? 5,00,000 रुपये का। इसमें से क्या लेस करेंगे हम लोग? लेस डिविडेंड रिसीव बाई होल्डिंग कंपनी फ्रॉम इट्स सब्सिडियरी कंपनी इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, लेस डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें कहानी है। कहानी क्या है देखना है सब ध्यान से। ये रहा ये देखो सर, इतना परसेंट का शेयर होल्डिंग है। तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी कौन कौन सा हुआ? 51% और 51% वाला, यानी कि ए लिमिटेड और सी लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी हुआ, ठीक है ना। और डिविडेंड टैक्स पेड है, ए लिमिटेड पे किया है और सी लिमिटेड नहीं पे किया है। तो एक और केस है यहाँ पे, ये रहा ध्यान देना सर सभी कोई। लिखा है द अबव रिलीफ इज अवेलेबल इन द फॉलोइंग केसेस। लिखा है सब्सिडियरी कंपनी कौन है? डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है ना। एंड इट हैज पेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115(o). सब्सिडियरी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है, और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है ए लिमिटेड जो है वो इंडिया का कंपनी है, और 51% शेयर होल्ड करते एक्स लिमिटेड। मतलब ए और एक्स में होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशन है, और ये लोग डिविडेंड टैक्स भी पे किया है। दूसरा, सब्सिडियरी कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी एंड डिविडेंड रिसीव बाय होल्डिंग कंपनी फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ होल्डिंग कंपनी अंडर सेक्शन 115(bbd). इसका मतलब होता है कि फॉरेन कंपनी जो है सब्सिडियरी कंपनी है और वो डिविडेंड टैक्स नहीं पे किया है, दैट इज डिविडेंड टैक्स इज नॉट पेड बाई फॉरेन कंपनी। ये है कहानी। बिल्कुल यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है।
कंपनी ए के केस में भी और कंपनी सी के केस में भी। कंपनी ए सब्सिडियरी कंपनी है, इंडिया का कंपनी है, और वो डिविडेंड टैक्स पे किया है, तो 40,000 लेस हो जाएगा। प्लस कंपनी सी जो है वो सब्सिडियरी कंपनी है, क्योंकि 51% उसका शेयर होल्ड करता है एक्स, और वो डिविडेंड टैक्स नहीं पे किया है, ठीक है ना। और डिविडेंड कितना है, 60,000 है, तो 1 लाख रुपीज़ का रिलीफ मिलेगा, ठीक है, इंटर कॉरपोरेट डिविडेंड। तो बैलेंस कितना बचेगा, 4 लाख रुपया बचेगा। सो डिविडेंड टैक्स निकाल दे, डिविडेंड टैक्स हो जाएगा 15/85 इंटू 4 लाख। सर ये हम लोग 15/85 क्यों करते हैं, क्योंकि पहले ग्रॉसअप किया जाता है, याद है ना, ग्रॉसिंग अप ऑफ डिविडेंड पढ़े हो सभी को ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये हो जाएगा 70588। ऐड करेंगे हम लोग सरचार्ज एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 12% का सरचार्ज लगाते हैं, तो 70588 का इंटू 12% कितना होगा, 8471 कितना आएगा, आएगा 79059। इसमें ऐड करेंगे हम लोग सेस एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 4% करने से आएगा 3162। तो ये हो जाएगा 8221। ये हो गया डिविडेंड टैक्स पेबल, ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया, देख लेना है, नेक्स्ट पेज यूज़ करेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। दिख रहा है ना सभी कोई को, नहीं दिख रहा होगा तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है। ओके, हो गया ये वाला। नेक्स्ट हम लोग टैक्स लायबिलिटी, अभी तो हम लोग डिविडेंड टैक्स निकाले ना, अब हम लोग यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन करेंगे। देखना सर ध्यान से, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स लिमिटेड। सर टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम है 42,10,000, है ना। यहाँ पे ना सेक्शन 115 BBDA का हम लोग प्रोविजंस फॉलो करेंगे, सेक्शन 115 BBD। इसमें क्या लिखा हुआ है मालूम है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर टोटल इनकम ऑफ एन इंडियन कंपनी, इफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडियन कंपनी इंक्लूड्स डिविडेंड फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी। ये स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी कौन है, दिख रहा है तो ये जूम कर दी है। स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी होता है जिस कंपनी में इंडियन कंपनी 26% या फिर उससे ज़्यादा, मतलब मोर देन 25% इक्विटी शेयर कैपिटल खरीदा है, दैट इज कंपनी इन विच इंडियन कंपनी होल्ड्स मोर देन 25% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ इक्विटी, बेटर होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना।
115BVD क्या बोलता है? अगर टोटल इनकम किसी इंडियन कंपनी का इंक्लूड करता है डिविडेंड फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, और ये स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी क्या है? जिस कंपनी में इंडियन कंपनी होल्ड करता है मोर देन 25% इक्विटी। ध्यान रहे, स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी का बात हो रहा है, यानी कि फॉरेन कंपनी में इंडियन कंपनी का 25% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होना चाहिए। देन इन सच केस टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम विल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 15%। ये है कहानी। ओके, तो यहाँ पे टोटल इनकम 42,10,000 है और स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, तीन फॉरेन कंपनी, एक सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड। ई लिमिटेड में 25% शेयर होल्ड करता है एक्स लिमिटेड, यानी कि ये स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी नहीं है। तो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी कौन कौन है? सी लिमिटेड और डी लिमिटेड। टोटल इनकम आ गया, टैक्स ऑन सबसे पहला डिविडेंड फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी कितना परसेंट? 15% ऑफ। स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी कौन कौन है? एक है सी लिमिटेड, जहाँ से 60,000 का डिविडेंड मिल रहा है, और दूसरा है डी लिमिटेड, जहाँ से 70,000 का डिविडेंड मिल रहा है। तो कितना आएगा? 60 + 70, 1,30,000 into 15% हो जाएगा 19,500। और टैक्स ऑन बैलेंस इनकम कितना होगा? टैक्स ऑन बैलेंस इनकम टोटल है 42,10,000, जिसमें से 60,000 और 70,000 का तो हिसाब हो गया, तो बैलेंस कितना बचेगा? 42,10,000 माइनस 60,000 माइनस 70,000 करने से आएगा 40,80,000। इस पे कितना परसेंट टैक्स चार्ज करेंगे हम लोग? एट द रेट ऑफ 30%। 12,24,000 प्लस 19,500 टोटल टैक्स हो गया 12,43,500। ऐड करेंगे सरचार्ज, सरचार्ज तो नहीं लगेगा क्योंकि इनकम जो है वो लेस देन 1 crore है, नो सरचार्ज। डायरेक्ट ऐड करेंगे हम लोग सेस एट द रेट ऑफ 4%। 12,43,500 का 4% होगा 49,740, और टैक्स पेबल हो जाएगा 12,93,240। यह है कहानी। आई होप ये सभी कोई को समझ में आया। सेक्शन 115BVD ये नया प्रोविजन है, ध्यान देना है थोड़ा इस पे। आई होप सभी कोई को समझ में आया। जिनको जो भी पूछना है कॉल या मैसेज करके पूछ लेना सभी को। थैंक यू।